दिल्ली इथं सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून शाहीन बागच्या धर्तीवर अमरावतीत वंचितचे किसान बाग आंदोलन पाहायला मिळाले. दिल्ली इथं सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं शाहीन बागच्या धर्तीवर किसान बाग आंदोलन करण्यात आले. अमरावती इथं जिल्हाध्यक्ष डॉ अलीम पटेल यांच्या नेतृत्वात अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आलं. वादग्रस्त नवीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली इथं 2 महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाला विविध भागातून मोठ्या संख्येनं पाठिंबा मिळतोय. मुस्लिम समाज आणि संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलनकारी शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी शाहीन बागच्या शैलीत हे आंदोलन करण्यात आले. वर्तमान हिटलरशाही व्यवस्थेनं शेतकऱ्यांचा छळ केलाय. प्रत्येक वर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतायत. CANRC विरोधी आंदोलन यावेळी केंद्र सरकारनं सत्ता आणि अधिकारांचा दुरुपयोग करून शाहीन बाग आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. आजही शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा अतोनात प्रयत्न होतोय. मीडिया तर शेतकरी आंदोलनाला दहशतवादी करण्याच्या मार्गावर आहे. काल जो शेतकरी ट्रॅक्टर मार्च झाला यामध्ये लाठीचार्ज करण्यात आला, याचा आम्ही निषेध करत आहोत. शेतकरी आंदोलनामध्ये शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली आहे. देशाचं भवितव्य सुरक्षित ठेवण्याकरिता RSS सारख्या संघटनांना सत्तेपासून दूर ठेवणं ही गरज आहे. त्यासाठी सर्व शोषित समाजाला एकत्रित राहणं आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉ अलीम पटेल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन BJP RSS और गोदी मीडिया ने मिलके जो किसानों के ऊपर प्रहार किया है, जो गन के ऊपर तंत्र का यूज़ किया है और किसानों को गल पर लाठीचार्ज हुआ है, उसका वंचित बहुजन आघाड़ी जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ज़िले की तरफ से उसका निषेध करता हूँ. ये जो आंदोलन चल रहा है आज का किसान बाग, ये शाहीन बाग की तर्ज पे खासतौर से मुस्लिम समाज और मुस्लिम कार्यकर्ता और हमारे बहुजन के कार्यकर्ता का मिला के ये आंदोलन किया गया है. इसका उद्देश्य ये है कि जैसा शाहीन बाग ने ये सत्र संसद को बताया था, BJP सरकार को बताया था कि 7 घंटे के संसद सत्र से तुम किसी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते, वैसी ही उसकी तर्ज के ऊपर आज किसान बाग रखा गया है. ये शुरुआत है कि मुस्लिम समाज किसान के साथ में ये मैसेज देना इस किसान आंदोलन का उद्देश्य है. ये आगे आंदोलन बढ़ता जाएगा और हर गाँव में हर जगह पर जैसा शाहीन बाग लगा था वैसे किसान बाग लगेगा. ये हमारा आगे का फ्यूचर का प्लान है. तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. किसानों को ये आंदोलन करने का मकसद क्या है? आंदोलन करने का मतलब ये है कि किसान के जो भाव, जो माल है उसको भाव नहीं है, उसकी योग्य भाव मिलना चाहिए, यही मकसद है. जो कष्टकार विरोधी 3 कानून है, काले कानून, वो वापस लेना चाहिए. जो मार्गदर्शन ये वंचित बहुजन आघाड़ी काम कर रही है, पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है.